तेज प्रताप ने कही ये बड़ी बात। लोकसभा चुनाव में हार के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल RJD की इसके कारणों की समीक्षा के लिए अहम बैठक की और बैठक में भले ही तकनीकी कारणों से लालू के लाल तेज प्रताप यादव नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने पत्र में लिखा, ट्वीट भी किया और मीडिया के सामने भी आए। उन्होंने पहले ही बार में लोकसभा में RJD को मिली करारी हार पर मुंह खोला, वह तेजस्वी के समर्थन में खुलकर आए और उनका बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि यह है सेटिंग की जीत है, इसमें तेजस्वी की हार नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्र में लिखा कि इसमें उन्होंने नसीहत भी दी। पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह सहित कई नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के खिलाफ न केवल बयान दिया था बल्कि कार्रवाई की मांग भी की थी। ऐसे में ये सवाल भी उठने लगा कि अगर हारने के लिए तेज प्रताप यादव पर जिम्मेदारी तय की गई तो वह क्या करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हार के लिए उम्मीदवारों ने न तेजस्वी को दोषी ठहराया और न ही तेज प्रताप को। वहीं तेज प्रताप ने अपने ट्विटर अकाउंट से बोला कि जिसको तेजस्वी के नेतृत्व पे कोई शक है वो RJD पार्टी छोड़ दे। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने भी साफ कर दिया कि यदि तेजस्वी यादव को कोई दोषी ठहराता है तो पार्टी छोड़ दे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिसको तेजस्वी के नेतृत्व पे शक है वो RJD छोड़ दे। उन्होंने मीडिया से भी कहा कि इस हार के लिए तेजस्वी कहीं से दोषी नहीं है, उन्होंने इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस की भी हार हुई है और राहुल गांधी की भी हार हुई है, ऐसे में राहुल को भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। यह कह के थोड़ा सा माहौल जरूर बिगड़ा पार्टी में बैठे हुए सभी लोगों का, लेकिन सभी लोग फिर दोबारा से समर्थन देने को तैयार हैं तेजस्वी यादव को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।